हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश, सबको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं APU वर्सेस MEF के बीच में होने वाला सेकंड सेमीफाइनल मैच के बारे में। ये जो मैच है दोस्तों 8 बजे खेला जाएंगे। और लीग की बात करें, MCA T20 कप 2022 का लीग है। वेन्यू की बात करें दोस्तों, तमिलियन फिजिकल कल्चरल एसोसिएशन स्टेडियम कुआलालंपुर मलेशिया में खेला जाएंगे। एवरेज स्कोर यहाँ पर 80 से 100 रन तक बन सकता है। पिच की बात करें दोस्तों, बॉलिंग पिच रहने वाला है। अगर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों टीम की। तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी ने लास्ट 4 मैच में दोस्तों एक भी मैच नहीं हारा। ये मैच जो है दोस्तों लास्ट मैच कैंसिल हो गया था। और उसका मलेशियन आर्मर्ड फोर्सेस की बात करें, लास्ट 4 मैच में एक ही मैच हारे, 3 मैच जीत गए। यहाँ पर लगभग देखा जाए तो दोनों टीम की फॉर्म सेम है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दोनों टीम के प्लेयर्स के स्टैट्स दूंगा। विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स में किसको पिक करना चाहिए एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी की ओर से। मलेशियन आर्मर्ड फोर्सेज प्लेयर्स स्टैट्स क्या होने वाले, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन किया। अब वहाँ जाकर लिंक पे क्लिक करना दोस्तों, क्लिक करते आपको मेरे चैनल का लिंक ओपन हो जाएगा। कल जो ये मैच दिए थे दोस्तों, एकदम मेगा क्लीन स्वीप गया था। यहाँ पर हमेशा के लिए यहाँ पर विनिंग रहता है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको A to Z कवर किया जाएंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन किया। एक और काम करना दोस्तों, आपको ना टेलीग्राम पे जाके अगर लिंक ओपन नहीं होता @ उसके बाद जो मेरे चैनल का नाम है दोस्तों शत्रुघ्न 225 जाके सर्च करना दोस्तों। सर्च करेंगे तो मेरे चैनल्स हो जाए, 1100+ यूजर्स ज्वाइन कर चुके हैं। यहीं पर आपको फाइनल टीम फर्दर अपडेट सब कुछ दिया जाएंगे। तो मलेशियन आर्मर्ड फोर्स का जो पहला ग्लोबल स्टार्स वर्सेस स्टिकी विकेट्स के बीच में जो पहला सेमीफाइनल हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर MCA T20 का उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एंड दूसरा जो अभी मैच है दोस्तों सेकेंड सेमीफाइनल, ये भी कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पर केविन पेरेरा, रविचंद्र प्रणांतन, दोनों की बात करें लास्ट 3 मैच में प्लेइंग 11 में, लेकिन बैटिंग मौका नहीं मिला। रविचंद्रन प्रिंटन की बात करें, 7 डाउन पे बैटिंग करते हैं, अभी तक प्लेइंग 11 दोनों मैच में, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। तो इन दोनों विकेट कीपर को आप कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद बैट्समैन में दोस्तों यहाँ पर डैनियल हाशमी है। अगर इनकी बात करें, लास्ट मैच तो नहीं खेले दोस्तों, इनकी जो बेस्ट है 9 रन 1 विकेट है। यहाँ पर 3 ओवर तक गेंदबाजी कर सकते हैं। 2 मैच इस सीजन में बात करें, 2 मैच 1 इनिंग में 9 रन बनाए, 2 इनिंग में 2 विकेट है। उसके बाद यहाँ पर जुबेदी जुल्फी के ओपनर बैट्समैन है, यहाँ पर लास्ट मैच में 39 रन बनाए, 2 मैच में 53 रन है दोस्तों इनके पास है। अमर उजय फिक्री की बात करें, 4 डाउन पे बैटिंग करते हैं, लास्ट मैच में 12 रन बनाए, 2 मैच में 1 इनिंग में 12 रन है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आते हैं यहाँ पर उस्मान हाशमी, अगर इनकी बात करें 11 रन बनाए लास्ट मैच में, इस सीजन में 3 मैच में 13 रन है। तो दोस्तों यहाँ पर उस्मान हाशमी ओपनिंग खेलते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जुबेदी जुल्फिकी को आप अपनी टीम में ले लीजिए, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर भी रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर्स की बात करें, यहाँ पर ऑलराउंडर्स में यहाँ पर जो पहला प्लेयर है संतोष श्रीधर है। अगर इनकी बात करें, लास्ट मैच पे कमाल के परफॉर्म है, 82 रन 4 विकेट हैं। अगर वो ओवरऑल देखा जाए तो इस सीजन में 3 मैच में 96 रन 3 इनिंग्स में 6 विकेट है। तो इनको आप कंफर्म कर दीजिए, 1 डाउन प्लस 4 ओवर तक गेंदबाजी कर सकते हैं। वीरेंद्रदीप सिंह की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो लास्ट 3 मैच में दोस्तों यहाँ पर 2 मैच नहीं खेले, एक ही मैच खेले, उस मैच में 17 का 1 विकेट है। तो अगर ये खेलते हैं तो 100% इनको मैं कंफर्म करूँगा। और अजबर अहमद ताजरी की बात करें दोस्तों, 3 डाउन प्लस 4 ओवर तक ये बॉलिंग कर सकते हैं, लास्ट मैच में 43 रन 2 विकेट है। तो अब इनको भी कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अमीरुल जुबैर जुल्फिके की बात करें, लास्ट मैच में 1 विकेट है, 3 मैच में 1 इनिंग में 2 रन और 2 इनिंग में 2 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स में यहाँ पर 4 बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको पहला जो 3 ऑलराउंडर है, इन तीनों को आप कन्फर्म कर लीजिएगा। उसके बाद गेंदबाजी में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर गेंदबाजी में मोहम्मद अमीर आजिम है। लास्ट मैच में यहाँ पर देखा जाता है, लास्ट 2 मैच निकले, एक ही मैच के लिए 2 विकेट लें, 4 ओवर तक बॉलिंग करेंगे। और मोहम्मद असलम की बात करें, यहाँ पर 3 ओवर तक बॉलिंग कर सकते हैं दोस्तों, 3 मैच में 3 विकेट आप देख सकते हो। मोहम्मद अफीक को यहाँ पर लास्ट 2 मैच में 1-1 विकेट मिले, 3 मैच में 2 विकेट है, यहाँ पर 4 ओवर तक ये भी बॉलिंग कर सकते हैं। इशक मुजामिल की बात करें, 0 विकेट है दोस्तों यहाँ पर, 3 मैच में देखा जाए तो यहाँ पर इनको 1 विकेट मिला। तो यहाँ पर आपको मैं मोहम्मद अमीर अजीम, उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद असलम, उसके बाद मोहम्मद आफिक, इन तीनों को आप ले सकते हो दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद गेंदबाजी में बात करें, गेंदबाजों को बात करें दोस्तों, अब यहाँ पर इसी प्रकार हम लोग मलेशियन आर्मर्ड फोर्सेस का भी प्लेयर स्टैट्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो विकेट कीपर में किसको लेना चाहिए आपको मैं डिटेल से बताऊँगा दोस्तों यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर विकेट कीपर में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हायरिल अनवर है दोस्तों यहाँ पर, लास्ट मैच में 1 रन बनाए, 4 मैच में 101 रन है, राइट हैंड बैट्समैन है। नोराफ बिन जोमात की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट मैच नहीं खेले दोस्तों यहाँ पर। विकेट कीपिंग में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन हायरिल अनवर है दोस्तों, आप इनको कंफर्म कर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सायदा था, यहाँ पर लास्ट मैच में 5 रन बनाए, एक मैच में 12 रन, एक विकेट है। राइट हैंड बैट्समैन ऑफ स्पिन बॉलर है दोस्तों यहाँ पर नॉर्वेरा जजमाई की बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लास्ट मैच में 38 रन, 0 विकेट है। 3 मैच में 26 रन बनाए दोस्तों यहाँ पर, 2 विकेट है, तो ऑलराउंडर के रूप में आप इनको कन्फर्म कर सकते हैं। मोहम्मद रमजान जाबरी की बात करें, लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में थे लेकिन मौका नहीं मिला, 2 मैच 1 इनिंग 9 रन है। और रोस्मान जकारिया 2 मैच नहीं खेले दोस्तों, 2 मैच 1 इनिंग में 7 ही रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर जैदन ताहा की बात करें, नॉट प्ले 2 मैच 1 इनिंग में 7 रन। तो यहाँ पर आपको मैं एक ही बैट्समैन दे सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर उस बैट्समैन का नाम है नॉर्वेरा जजमाई, इनको आप कन्फर्म कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात करें, मोहम्मद फैदल इसक है दोस्तों राइट हैंड बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलर है, लास्ट मैच तो नहीं खेले, 3 मैच में 13 रन 3 विकेट इनके पास है। रशीद आहाद की बात करें, 1 विकेट लिए दोस्तों यहाँ पर। सुहैरुल फित्री यहाँ पर लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में रहा लेकिन मौका नहीं मिला, 2 मैच 1 इनिंग 4 रन 2 विकेट है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं दोस्तों अस्मितान हारिस, यहाँ पर 2 विकेट लिए तो 5 रन 2 विकेट 2 विकेट, तो 3 मैच में 5 रन 4 विकेट आप इनको कन्फर्म कर लीजिएगा ऑलराउंडर्स में। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट मैच खेले रशीद आहाद, आप इनको भी ले सकते हैं, 1 ही मैच में विकेट नहीं मिला, एक अच्छा पिक रहेंगे। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद फाइल फासक को भी 3 मैच में 3 विकेट मिला, तो यहाँ पर 1-4 ऑलराउंडर्स को आप यहाँ पर अपनी टीम में ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में बात करें, सैजुल इजाज द्रास है, लास्ट मैच में विकेट नहीं लिए लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों पहला मैच तो नहीं खेले लेकिन 2 मैच में 3-3 विकेट लिए, तो सबसे बेस्ट पिक रहने वाले गेंदबाजी में। उसके बाद मोहम्मद शुक्री अब्दुल रहीम है दोस्तों यहाँ पर, तो लास्ट मैच नहीं खेले, अगर इस सीजन में बात करें 4 मैच 3 इनिंग में दोस्तों देख सकते हो 15 रन और 4 विकेट इनके पास है, तो अब इनको ले लीजिएगा टीम में। मोहम्मद कयूम खान की बात करें, लास्ट मैच में 8 रन 1 विकेट है, 2 मैच 1 इनिंग 8 रन 1 विकेट इस सीजन में। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मन हाइकल नौरासरी की बात करें, लास्ट मैच नहीं खेले, 3 मैच 1 इनिंग 1 रन कोई विकेट नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किस किस को लेना चाहिए, यहाँ पर सैजुल इजाज और यहाँ पर मोहम्मद शुक्री अब्दुल रहीम, इन दोनों को पिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे प्लेयर्स की स्टार्ट्स देखने के बाद यहाँ पर हम लोग फाइनल टीम बनाएंगे, तो चलिए दोस्तों फाइनल टीम देख लेते हैं। तो अनवर आपको बेस्ट ऑप्शन देंगे विकेट कीपिंग पे, बैट्समैन पे दोस्तों यहाँ पर जजमाए उमर उस्मान हसमी दोस्तों ओपनिंग खेलते हैं, और उसके बाद जुबैद जुल्फिकर है दोस्तों यहाँ पर, इनको ले लीजिएगा, 3 बैट्समैन यहाँ पर रहेंगे। ऑलराउंडर्स पे दोस्तों संतोष श्रीधर, वीरेंद्र सिंह यहाँ पर सबसे अच्छा अपना आहद है दोस्तों यहाँ पर, 3 ऑलराउंडर को फिलहाल मैं पिक कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में बात करें, यहाँ पर शुक्री अब्दुल रहीम इज्जत इद्रास है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं लेकिन यहाँ पर पवनदीप सिंह को लूँगा यहाँ पर। उसके बाद एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ पर ताजरे जुल्फी के बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर तैन हारिस है दोस्तों, आप इनको पिक कर लीजिएगा। अब कैप्टन में दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्टन में वीरेंद्र सिंह सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, और संतोष रेदर भी एक अच्छा पिक है लेकिन यहाँ पर मैं आपको इज्जत इद्रास को लेने के लिए जाऊँगा, तो एक अच्छा टीम बनेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो दोस्तों इस टीम को पहले सेव करके रख लेना, क्योंकि फाइनल टीम जो होगा दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पर ही देने वाला हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन के आपको टीम क्यों सेव करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर लास्ट मोमेंट अगर लाइनअप जो लेट से अनाउंस होता है तो आपको 1 से 2 मिनट में एडिट करने में टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसलिए आप सेव करके रखोगे तो तुरंत एडिट हो जाएगा टीम, आप वहाँ जाए ज़्यादा नहीं दोस्तों 1 से 2 चेंजिंग हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर कम बैक करेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैच है, सेकंड सेमीफाइनल मैच है, जो मैच जीतेंगे वो सीधा फाइनल पहुंचेंगे, इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ इस टीम को आप सेव करके रखें, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों यहीं पर मैं वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ, थैंक यू, जय हिंद।